हाँ चलो, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच टू असिस्टेंट ए एंड बी कैन फिल इट इन 30 आवर्स, 30 आवर्स एंड 2020 आवर्स एंड थर्ड पाइप सी लीक्स आउट 45 लीटर्स ऑफ वॉटर पर मिनट। इफ ऑल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली The tank will fill in 1 5 15 hours. Find the capacity of the tank. वैष्णवी रिपीट होगा, ठीक है? आपने अभी ये अगर चेंज किया है तो आप बस इतना ध्यान रखो कि आपका कितना पोर्शन हुआ है, आपका क्या क्या चैप्टर्स हुआ है, वो बस याद रखो, ठीक है? बाकी हाँ मैम, तो वैसे भी रिपीट सब सब चैप्टर्स रिपीट होगा, ये बाद में बार बार होता ही है सब रिपीट। ओके मैम। मैम साइमल्टेनियसली मत, साइमल्टेनियसली मतलब एक एक साथ बोल, वो एक साथ बोल सकते हैं, एक के साथ, एक के बाद एक, या तो एक साथ, ठीक है? तीनों का तीनों जो पाइप है यहाँ पे दिया है, तीन पाइप, तीनों पाइप को साथ में चालू किया, ऐसे बोलो। चलो बताओ, किसी का आया आंसर? मैम ये ऊपर आर से कि मिनट से 20 आर। सब आरसी है, सबका आरसी, ये सिर्फ मिनट में दिया है, बाकी सब आर्स में ही है। मैं 2900 आ रहा, 2000 नहीं, 2900 नहीं है। मेरे सी का है ना वैल्यू 60 आ रहा है। हाँ 6060, वो तो सही आ रहा है। आगे क्या किया आपने? वही 60 को मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि पर मिनट है ना, अच्छा, बराबर है फिर। मेरे 2900 आ। अच्छा,
आपने मल्टीप्लाई किया 45 से, 45 क्या है, लीटर्स है, ठीक है, और वो आपका जो आया है वो आर्स है, अरे हाँ यहाँ पे मिनट है, चलो बताओ बाकी और किसी का आया आंसर, रेनू का, आप न्यू स्टूडेंट हो, आपका फर्स्ट लेक्चर है रेनू का, वॉइस नहीं आ रही आपकी? हाँ मैम, ओके ठीक है, 214000 नहीं 14000 नहीं है, चलो मैं बताती हूँ, थ्री फाइव मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है, आपका नाम बताइए, विशाल मिश्रा, विशाल, ओके ठीक है, मैं मेरा आपका ब्रांच कौन सा, अमन, यस अच्छा ठीक है, देखो अभी जो चैप्टर है उसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो गया है, एक या दो लेक्चर हुआ है शायद, तो यहाँ पे ये जब खत्म होगा आप बस क्या करो, अटेंड करो अभी, ये जब खत्म होगा इसके बाद जो भी चैप्टर होगा वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा, और ये जो चैप्टर है आपका फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, चलो मैम 45 लीटर, 45 लीटर क्या बोल रहे हो आप, 45 लीटर आंसर, कैपेसिटी ऑफ टैंक, नहीं 45 लीटर तो उन्होंने हमें दिया है ऑलरेडी, वो ही आंसर कैसे हो सकता है, चलो मैं बता दूं, चलो तीन पाइप है ना, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच टू अ सिस्टम, ठीक है, तो हमारे पास तीन पाइप है ए बी एंड सी, बी कैन फिल इट इन 30 आवर्स, बी के बारे में बोला है, बी को फिल करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए 30 आवर्स लगता है, सॉरी ए एंड बी है ना, यहाँ पे ए को 30 लगता है, सॉरी यहाँ पे आएगा ए का 30, यहाँ पे आएगा ए एंड बी कैन फिल इट इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स, तो ए को कितना टाइम लगता है, 30 आवर्स लिख दिया, ए का 30 आवर्स, बी का कितना होगा 20 आवर्स, तो यहाँ पे आएगा 20 आवर्स, एंड थर्ड पाइप सी लीक्स आउट बोला है यहाँ पे, ठीक है, लीक्स आउट 45 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन हमें दिया है कि जो सी पाइप है वो तो क्या हो जाएगा, आउटलेट पाइप होगा, क्योंकि वो पानी बाहर निकलता है, लीक्स आउट मतलब बाहर फेंकना, तो पानी बाहर निकलता है कितने मिनट में, 45 लीटर्स ऑफ वाटर एक मिनट, पर मिनट मतलब एक मिनट में वो बाहर निकालता है, मतलब जो आउटलेट पाइप है वो तो कन्फर्म हो गया, इफ ऑल दी थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों का तीनों जो पाइप है अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तब क्या होता है, जो टैंक है वो फिल होता है, टैंक क्या होता है, फिल होता है, एम्प्टी नहीं होता है, तो यहाँ पे भर रहा है टैंक कितने आवर्स में, 15 आवर्स, तो यहाँ पे तीनों के तीनों पाइप के बारे में हमें दिया है 15 आवर्स, तो यहाँ पे आएगा 1515, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 30, 20 एंड 1515 का कितना 60 आएगा, ठीक है ये हो गया एलसीएम 60, 30 × 2 होगा 60, 20 × 3 हो जाएगा 60 एंड 15 × 4 हो जाएगा 60, हमें तीन वैल्यू मिल गया, हमें ये जो पाइप है हमें पता है कि वो आउटलेट है, तो हम एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी सी होता है, ए की वैल्यू 2 है प्लस बी की वैल्यू है 3 प्लस सी की वैल्यू नहीं पता है लेकिन ए बी सी की वैल्यू है 4, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + c = 4, तो c की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन ये आउटलेट पाइप है तो यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे हमें आर्स कितना मिलेगा, 60 आर्स मिलेगा, ये सब आर्स में है, तो यहाँ पे 60 / 1 करेंगे हमें मिलेगा 60 आर्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो दिया इंफॉर्मेशन थर्ड पाइप के बारे में बोला है कि जो सी पाइप है अगर उसे बोला जाए कि पूरा का पूरा पानी बाहर निकालना, तो वो एक मिनट में 45 लीटर्स पानी बाहर निकालता है,
45 लीटर, ठीक है, कितने मिनट में, एक मिनट में, लेकिन हमारे पास तो वन आर है, हमारे पास कितना, सॉरी हमारे पास तो आर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिनट के बारे में दिया है, एक मिनट के बारे में दिया है कि वो 45 लीटर जो है बाहर निकलता है, तो हमें 60 आर चाहिए। एक मिनट का आर्स करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 60 से, मतलब जो कन्वर्ट, ये जो आर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जो आर्स को मिनट्स में कन्वर्ट। तो यहाँ पे अगर टोटल 60 आर्स का मिनट्स में देखेंगे तो कितना आएगा? 60 कैसे आएगा एक मिनट में? देखो पूरा का पूरा जो वन आर होता है उसमें कितना मिनट्स होगा, पूरा का पूरा वन आर 60 मिनट्स होगा, ठीक है। वन आर में अगर 60 मिनट्स है तो 60 आवर्स का कितना होगा? 3600। 60 into 60 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 60 into 60 मतलब 3600, ठीक है। ये हो गया सिर्फ टाइम की वैल्यू, ठीक है, टाइम की वैल्यू। और पर मिनट में वो कितना बाहर निकलता है, 45, वो भी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें टाइम का देखना है। सबसे पहले हम टाइम को देखेंगे कि हमारे पास टाइम कितना है 60 आवर्स है, ठीक है। उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने मिनट के बारे में बोला है, मिनट के बारे में क्या बोला है कि जो एक मिनट पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो क्या करते हैं कि जो 45 लीटर्स बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे एक मिनट की बात हो रही है। अगर एक मिनट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर आर्स का देखा जाए, सिर्फ आर्स का देखा जाए, तो वन आर में अगर 60 मिनट्स होता है, हमें कितना आर्स चाहिए, 60 चाहिए। तो सिर्फ टाइम के बारे में पहले देखो, उसके बाद डायरेक्टली जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले टाइम के बारे में देखना है, मतलब यहाँ पे मिनट दिया है तो हमें ये जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, तो डायरेक्टली हम 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन आर का वैल्यू अगर 60 मिनट है तो 60 आवर्स का वैल्यू कितना होगा, 60 into 60। तो हमें ये जो मिला है ना, सिर्फ टाइम मिला है, यहाँ पे सिर्फ टाइम मिला है, कैपेसिटी नहीं मिला। तो कैपेसिटी कैसे मिलेगा, थोड़ा सा नीचे गया ना, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 45। तो आपका आंसर मल्टीप्लाई तीनों को करना पड़ेगा तब कितना आएगा, 1,62,000 लीटर्स, क्योंकि हमें क्या पूछा है, पूरा का पूरा जो टैंक होता है उसकी कैपेसिटी पूछी है कि इसमें कितना लीटर्स ऑफ वाटर हम फिल कर सकते हैं। तो कितना लीटर्स फिल कर सकते हैं, 1,62,000 लीटर्स फिल कर सकते हैं। मैम मैंने करेक्ट किया था, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 into 60 करना था, उसको कन्वर्ट करना था इस मिनट में, मैंने वहां पे ना 60 into 45 डिवाइड बाय 60 कर दिया, इससे मेरा 45 आ गया। देखो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, सिर्फ सी के लिए है कि मतलब ए बी सी के लिए आपने ये 1,62,000 बोल रहे हो? नहीं, हाँ वो ए बी सी का है कि सिर्फ सी का टोटल है? ये ए बी सी का भी नहीं है, सी का भी नहीं है। ये जो हमें आया है ना, ये क्या वैल्यू आया है, जो टैंक है ना हमारा, जो टैंक होता है, ठीक है, उन्होंने बोला है हर एक का अलग अलग कि यही टैंक भरने के लिए इनको इतना टाइम लग रहा है, इनको इतना टाइम लग रहा है, इनको इतना टाइम लग रहा है। तो वो पूरा का पूरा भर जाए तो उसमें कितना वॉटर भरेगा, तो वो कितना वॉटर भरेगा, यहाँ पे लीटर लिखा है, लीटर मतलब वॉटर जो हम टैंक में भरेंगे उसी के कैपेसिटी, उसी के बारे में देंगे। तो यहाँ पे जो 1,62,000 दिया है वो लीटर में दिया है, मतलब जो टैंक है वो पूरा का पूरा जब भरेंगे तो उसका कैपेसिटी, मतलब कितना लीटर ऑफ वॉटर उसमें हम डाल सकते हैं, कितना वॉटर आएगा, वो हमें यहाँ पे दिया है, वो हमें यहाँ पे पूछा है कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या है। क्योंकि टैंक में क्या जाएगा, कोई इंसान तो नहीं जाएगा ना, ए बी सी नहीं जाएगा,
पाइप नहीं जाएगा, टैंक में क्या जाएगा? पानी जाएगा, भले ही वो पानी पाइप से जाए लेकिन जाएगा क्या? वाटर जाएगा। तो वाटर का टोटल कितना वाटर हम फील कर सकते हैं टैंक में, वो हमें पूछा यहाँ पे। तो वो आंसर ये है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द टैंक है 1,62,000। मिस एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर 1 आवर्स में 60 मिनट्स कैसे होंगे? 1 आवर में, मैम ये जो आपने आर्स और 60 आवर्स लिखा ना, ये नहीं समझ रहा है मेरे को। अच्छा देखो, मतलब एक आवर्स में मैं बताती। देखो देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो लाइन से जाओ। 45 जो है ना वो तो लीकेज वाला वैल्यू है ना, तो हमने वो क्यों लिया है उसमें ऐड करके, मतलब मल्टीप्लाई उससे क्यों किया? देखो लीकेज वाला वैल्यू है वो मैं मानती हूँ सही दिया है, लीकेज वाला ही वैल्यू। देखो ये जो दिया होता है ना आपको यहाँ पे आर जो दिया होता है, जैसे आपको अगर दिया है देखो ए एंड बी फिल इट, मतलब एक टैंक है वो ए को पूरा का पूरा भरने में कितना टाइम लगता है? 30 आवर्स लगता है। एक टैंक है वही सेम टैंक बी को अगर अकेला फिल करता है पूरा का पूरा भरता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 20 आवर्स लगेगा। तो वही सेम टैंक, वही सेम कैपेसिटी वाला टैंक अगर सी खाली कर दे, पूरा का पूरा खाली कर दे, तो उसको वो पूरा का पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको पूरा का पूरा भरा हुआ टैंक खाली करने में 60 आवर्स लगेगा। ये हमें यहाँ पे 60 आवर्स मिला, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो 60 आवर्स है उसका मीनिंग है पूरा का पूरा अगर टैंक भरा हुआ है तो वो पूरा का पूरा खाली करना है तब उसको कितना टाइम लगेगा? 60 आवर्स लगेगा। तो हमें इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमें वॉटर ही देखना है कि पूरा का पूरा वॉटर है, तो पूरा का पूरा खाली करने में उतना ही खाली करेगा ना जितना भरेगा। पूरा का पूरा अगर भरा हुआ है तो पूरा का पूरा ही खाली करेगा सी, तो पूरा का पूरा खाली करेगा, तो जितना भी खाली करेगा वो वही होगा ना जो टैंक में पूरा का पूरा वाटर भरता होगा। यहां तक जो वाटर भरा है इसमें तो वो ही पूरा का पूरा खाली करेगा, मतलब 1,62,000 ही खाली करेगा। जो भरा है वो खाली करे या पूरा का पूरा भरे, कैपेसिटी तो इतना ही मिलेगा ना हमें 1,62,000। समझा? यहाँ पे भले दिया है कि खाली करता है वो पूरा का पूरा, लेकिन पूरा का पूरा भरा हुआ खाली करेगा ना, आधा टैंक तो नहीं खाली करेगा। तो हमें इनडायरेक्टली यहाँ से तो मिल ही जाएगा कि कितना कैपेसिटी होगा उसका, पूरा का पूरा जब भरेगा तभी तो वो खाली करेगा। तो पूरा का पूरा खाली होगा ना, आधा खाली भी नहीं होगा ना ही आधा भरेगा, तो जितना भी मिलेगा वो पूरा का पूरा कैपेसिटी ही होगा। समझा? समझा बोलो या कंफ्यूजन है बोलो। हेलो मैम, 1 आवर्स और 60 आवर्स का ना वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। अच्छा देखो ये ना मैं फिर से बताते, देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट, पर मिनट का मतलब होता है एक मिनट, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक मिनट। एक मिनट में क्या होता है, जो सी है वो क्या करता है, 45 लीटर्स बाहर निकलता है, ठीक है, 45 लीटर्स बाहर निकलता है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर एक मिनट में 45 लीटर्स बाहर निकलता है तो 60 मिनट्स में कितना बाहर निकालेगा? क्या करेंगे हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 60 मिनट्स में कितना बाहर निकालेगा? मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 45 × 60 आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे? दिख रहा है मैं। ओके देखो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 45 × 60 आएगा। यहाँ तक सबको समझा 45 × 60 कैसे आया? अगर यहाँ पे हमें क्या दिया, पर मिनट, एक मिनट में अगर 45 लीटर्स बाहर निकलता है तो मैंने क्या किया, 60 मिनट्स में कितना बाहर निकालेगा? मतलब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 45 × 60 करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 45 × 60, ठीक है। अब इस 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर होता है ना, 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स। मतलब ये जो 60 मिनट्स है इसको मैं 1 आवर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, 1 आवर बोलू या 60 मिनट्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है। इसका ही मतलब क्या कि अगर एक मिनट में 45 लीटर्स बाहर निकलता है तो 1 आवर में कितना निकलेगा, 45 × 60 निकलेगा। हमें क्या चाहिए, 60 आवर्स चाहिए, ठीक है। हम फिर से करेंगे, अगर 1 आवर में 1 आवर का वैल्यू मिल गया कितना, 45 × 60 एज इट इज रखो, एज इट इज रखो। 1 आवर में अगर 45 × 60 वाटर बाहर निकलता है
तो हमें किसका आंसर चाहिए? 60 आवर्स का चाहिए। तो 60 आवर्स में कितना बाहर निकालेगा? हम क्या करेंगे फिर से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 45 × 60 × 60, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1,62,000। समझा अभी? हाँ, ओके, ठीक है, सबको समझा? बोलो ये वाला, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है ना, ये मेथड से जाओ। आपका जो टाइम आया है वो देखो, सबसे पहले किसके बारे में दिया, ये किसके बारे में दिया था? सी के बारे में। अगर यहाँ पे ए होता ना कि ए फिल करता है, इसके जगह पे अगर ऐसा दिया होता कि ए 50 लीटर 45 लीटर फिल करता है, तो मैं क्या देखती? ए का टाइम देखती, जो 30 आवर्स। यहाँ पे सी के बारे में दिया है कि सी इतना पानी बाहर निकलता है, तो कितना निकलता है बाहर? 45, इसीलिए सी का टाइम देखा। तो पर मिनट में अगर 45 निकलता है, तो 60 मिनट्स में कितना, मतलब ही 1 आवर में कितना हो जाएगा? तो वैसे आप क्या करोगे फिर से? 60 आवर्स। अगर यहाँ पे 20 आवर्स होता तो 1 आवर में इतना होगा, तो 20 आवर्स में कितना होगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। और किसी को डाउट है बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। ये 5 + c = 4, ये माइनस किया ना आपने? हाँ, माइनस किया है। यहाँ पे 4 - 5 होगा ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, वही -1 यहाँ पे लिखा मैंने, क्योंकि ये लीकेज वाला पाइप है ना, ये आउटलेट पाइप है, और ये दोनों क्या है? फील करता है, तो ये इनलेट पाइप है, और ये क्या है? आउटलेट पाइप। और किसी को डाउट है बोलो। मैम, वो 60 मिनट कहाँ से लिया? 60 मिनट्स, ये वाला 60 बोल रहे हो आप? हाँ। अच्छा, ये मैंने हमारे लिए, आपके लिए मैंने बताया है, वो क्यों बताया? देखो यहाँ पे हमारे पास एक मिनट का ही वैल्यू है ना, जैसे क्वेश्चन में जो हमें दिया है कि पर मिनट में सी क्या करता है, बाहर निकलता है 45 लीटर, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, हमें जाना है आवर्स में, लेकिन 60 आवर्स में जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिनट है ना उसको क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। मतलब एक मिनट में अगर 45 लीटर बाहर निकलता है, तो 60 मिनट्स में कितना होगा? तो हमें ये वैल्यू किसका मिल जाएगा? 60 मिनट्स मतलब ही 1 आवर का वैल्यू मिल जाएगा। अगर 1 आवर मिल गया तो हमें 60 आवर्स का भी वैल्यू मिलेगा। देखो 1 आवर का वैल्यू अगर 45 × 60 है, तो 60 आवर्स का वैल्यू कितना होगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डायरेक्टली कैपेसिटी मिल जाएगा टाइम का। समझा? इसीलिए मैंने यहाँ पे 60 मिनट्स दिया, क्योंकि 1 मिनट को डायरेक्टली मैंने आर में कन्वर्ट किया, तो आर में कन्वर्ट किया तो हम कितना भी आवर्स डायरेक्टली ले सकते हैं। समझा? यस मिस। और किसी को डाउट है बोलो। लिख के हो गया सबका? रफ कर दूं? दो मिनट। ओके, लिखो। सब न्यू स्टूडेंट्स को बोर्ड तो दिख रहा है ना प्रॉपर? यस मैम। ओके मैम, लास्ट में यही किया है ना, 60 × 60 × 40 का तो आंसर आया है। हाँ, 1,62,000, सही। मैम, जो हमारा ए इफिशिएंसी आता है a + b + c का, वो हमेशा 4 को प्लस में कन्वर्ट, मतलब प्लस में अज्यूम करना है ना? नहीं, प्लस में अज्यूम हमेशा नहीं करना है। यहाँ पे देखो, मैंने बोला आपको फील दिया है, यहाँ पे एम्प्टी दिया होता तीनों का मिला के तो हम माइनस लिखते, यहाँ पे फील दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसके जगह पे एम्प्टी होता तो यहाँ पे मैं माइनस लिखती। समझा? ओके, हमेशा प्लस नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लेना है। हमेशा आपको लीकेज के बारे में ही देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको फील के बारे में भी, हाँ, फील के बारे में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि क्या दिया है। यहाँ पे सी के बारे में दिया था, वो क्या है? आउटलेट पाइप है, इसीलिए आउटलेट पाइप को ही यहाँ पे लिया मैंने।
चलो नेक्स्ट. अ लीक इन द बॉटम. Of a tank can empty it in 12 hours, 1 to 12 hours. A tap. मैम वो second word tank है या leak है? Second word. Leak है, leak. ये ना? हाँ मैम. Leak है, L-E-A-K, leak. Okay. A tap which can add 20 liters per minute is turned on both the taps are open now, then the tank is emptied in 20 hours. Fine. Ma'am, second line में आपने जो 20 liter/minute किया, मतलब 20 liter एक मिनट में टर्न करता है, ऐसा कुछ है ना? हाँ सही है, सही है. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ है, थोड़ा सा है अलग. यहाँ पे दो ही पाइप्स के बारे में बोला है, सिर्फ दो ही पाइप्स है. थ्री सिक्स थाउजेंड. वेरी गुड, सही है. वेरी गुड संतोष, सही है. बाकी सब बताओ. चलो बाकी सब बताओ, किसी का आया? 36,000. वेरी गुड कोमल, वेरी गुड बादल, सही है. चलो. अ लीक इन द बॉटम of a tank
कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स, मतलब यहाँ पे दिया है आउटलेट पाइप के बारे में, जो लीक करता है मतलब पानी बाहर निकलता है उसका दिया है 12 आवर्स, ठीक है। और ए एक पाइप है, ए के बारे में क्या बोला है, ए टैप, अ टैप विच कैन एड 20 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। बोथ द टैप्स आर ओपन नाउ, देन टैंक इज एम्प्टीड इन 20 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक पाइप है, बी एक पाइप है, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे ए एंड बी, ठीक है। जो 12 आवर्स वाला है, 12 आवर्स वो क्या करता है, एम्प्टी करता है मतलब खाली करता है, तो ये हो जाएगा आउटलेट। मैं बी को मानूंगी, बी क्या है, आउटलेट है, ठीक है। 12 आवर्स में वो खाली करता है, मैम ए आउटलेट है ना, ऐसा कुछ नहीं, आप मान सकते हो ए आउटलेट लेना है, ठीक है ए लेते हो, चलो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे अजम्पशन किया है मैंने और कुछ नहीं, चलो। बोथ दी टैप्स आर ओपन नाउ, बोथ दी मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए बी अगर चालू किया जाए तो पूरा का पूरा जो टैंक है वो एम्प्टीड करता है 20 आवर्स में, तो यहाँ पे आएगा 20 आवर्स। तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 एंड 20 का कितना आएगा, 60, ठीक है 60, 12 into 5 होगा 60 and 20 into 3 हो जाएगा 60, ठीक है। ये एम्प्टी करता है मतलब ये तो कंफर्म माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म माइनस में आएगा। और यहाँ पे क्या बोला, देखो बोथ दी टैप्स आर ओपन नाउ, दी टैंक इज एम्प्टीड इन 20 आवर्स, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो एम्प्टी ही कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये फील करेगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी करोगे तभी क्या आएगा, ए बी आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस फाइव प्लस वैल्यू आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस थ्री, तो आपको बी का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस थ्री, और ये जो फाइव है वो यहाँ पे जाएगा प्लस फाइव, तो आपको मिलेगा प्लस टू, तो ये प्लस टू आप यहाँ पे लिखोगे, तो बी का वैल्यू जो मिला है, ठीक है, तो आपको 60 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना मिलेगा, 30 आवर्स मिलेगा, ये मिल गया 30 आवर्स। अभी किसके बारे में दिया, देखो यहाँ पे अ टैप विच कैन एड 20 लीटर्स, तो एड करता है तो वो कौन सा पाइप होना चाहिए, कंपल्सरी इनलेट पाइप ही होना चाहिए, क्योंकि वो पानी भर रहा है, पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये तो कंफर्म नहीं होगा, और पाइप तो एक ही है, एक ही पाइप है ना, तो यहाँ पे दो पाइप भी नहीं होगा, मतलब यही आएगा पाइप, यही होगा जो एड कर रहा है, यहाँ पे देखो प्लस में है एफिशिएंसी, तो यही ये ऐड करेगा, मतलब हमें 30 आवर्स को देखना है, लेकिन उन्होंने बोला है कि एक मिनट में वो 20 आवर्स 20 लीटर्स पानी भरता है, तो 60 मिनट्स में कितना भरेगा, 20 into 60 लीटर्स भरेगा, ठीक है। 60 मिनट्स मतलब ही 1 आवर होगा, और हमें क्या चाहिए, 30 आवर्स का वैल्यू चाहिए। अगर 1 आवर में वो 20 into 60 लीटर्स भर रहा है तो हमें क्या चाहिए, 30 आवर्स, 30 आवर्स में कितना भरेगा, तो हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 into 60 into 30 30 होगा, तो हमें मिल जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यहाँ पे कितना आएगा, 6 into 3 18 into 2 36, और ये जो 000 है आप यहाँ पे लिख दो 000, ये हो जाएगा लीटर्स, हमें मिल गया टैंक का कैपेसिटी 36,000 लीटर्स, ये हो जाएगा 36,000। सेम टाइप से किया है, ये जो लास्ट में किया था वैसा ही, लेकिन ये क्या करता है, फील करने वाला है, और वो क्या करता था, एम्प्टी करता था, खाली करता था। मैम मैंने ना उसमें 20 into 60 करके डिवाइड बाय 2 किया था, क्योंकि दो पाइप्स थे इसलिए, तो मेरा भी आंसर 36,000 ही आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो गलत होगा, वैसे नहीं करना है मैम, जो 20 ये 20 लिया था आपने, ये 20 लिया था, बोलो आपने जो किया था 20 into 60 into 20 फिर से। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लेना है, यहाँ पे एक ही बार में बोला है ना, अ टैप बोला है, ठीक है, मतलब एक ही टैप होगा, जो भी होगा एक ही टैप होगा, और आगे क्या बोला है, ऐड, मतलब जो पानी भरता है ये तो खाली करने वाला है, ये तो कंफर्म नहीं आएगा, ऐड करने वाला चाहिए, ये तो दो है, ये तो ये भी नहीं आएगा, बच्चा कौन सा, यही होगा ना,
यही लेना आपको, 30 वाला लेना है। हाँ, ये जो लिखा 20 लीटर/मिनट इसका मतलब है कि 20 लीटर/मिनट ना? हाँ सही सही। ओके और किसी को डाउट है बोलो। मैम ये प्लस टू कैसे आएगा बता दीजिए। ये प्लस टू, अच्छा हम क्या करते हैं ए प्लस बी करते हैं तभी हमें ए बी मिलता है ना, ए प्लस बी करेंगे तभी हमें ए बी का एफिशिएंसी मिलता है। ए का कितना है -5 है, बी का तो हमें पता नहीं तो मैंने एज इट इज बी को लिख दिया इक्वल्स टू, ए बी का कितना था -3 था, ठीक है मैंने बी को यहाँ पे एज इट इज रख समझा। हेलो और किसी, हाँ बोलिए। 26 से 30 आप भैया मल्टीप्लाई कैसा लिया आपने? 20 into 60 बोल रहे हो ये वाला? हाँ हाँ। अच्छा मैंने ना मिनट को उन्होंने बोला है ना हमें कि एक मिनट में क्या करता है 20 लीटर्स ऐड करता है, तो मैंने 60 मिनट्स का निकाला, 60 मिनट्स में कितना ऐड करेगा 20 into 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना 20 into 60 वही 20 into 60 यहाँ पे आया, तो मैंने मिनट को आर में कन्वर्ट किया कि अगर एक मिनट में 20 लीटर्स भर रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर का मतलब ही क्या होता है 60 मिनट्स, तो इसीलिए 60 मिनट्स दिए, ठीक है। और किसी को डाउट है बोलो। 30 देखो अब यहाँ पे हमें वो एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वो डाउट आ रहा है ये वाला, ये वाला। अच्छा ठीक है देखो यहाँ पे हमें दिया क्या है, बहुत बड़े एक टैप है, ठीक है एक ही टैप है, वो क्या करता है ऐड करता है, ठीक है ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है क्योंकि माइनस में एफिशिएंसी है तो कंफर्म नहीं आएगा, यहाँ पे तो दो टैप है वो भी नहीं आएगा, बचा कौन सा टैप एक ही जो एक्चुअल में ऐड कर रहा है क्योंकि इसका एफिशिएंसी प्लस में है, तो ये टैप के बारे में बोला है, ठीक है कि एक जो टैप है वो क्या करता है 20 लीटर में पानी भरता है, एक मिनट में अगर देखा जाए ना तो 20 लीटर पानी भर रहा है वो एक मिनट में, यहाँ पे क्या बोला है पर मिनट 20 लीटर पर मिनट, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक मिनट में क्या करता है 20 लीटर पानी भरता है, तो मैंने क्या किया एक मिनट का मैंने 60 मिनट कर दिया, क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो आवर्स में है, क्या हुआ 60 सेकंड ना एक मिनट का? नहीं 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 सेकंड में नहीं करना है, सेकंड में नहीं, यहाँ पे मिनट लिखा है, देखो यहाँ पे भी मिनट है यहाँ पे भी मिनट है, 60 सेकंड नहीं किया। अच्छा मैम एक मिनट में 20 करता है तो 60 मिनट में कितना करता है इसका? हाँ। 20 into 60 इसीलिए 20 into 60 किया, मतलब 1 आवर का मिलेगा ना हमें। हाँ मैम तो मैम उसका 120 आएगा ना 20 into 60 1200 आएगा ना, 1200 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे 1200 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है फिर से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 30 से क्योंकि हमें 30 क्यों लिया, ओके ओके हां समझा मैं, ठीक है यहाँ पे 60 मिनट्स का मतलब ही 1 आवर होता है, तो यहाँ पे 60 मिनट्स में अगर 20 into 60 लीटर फिल कर रहा है तो हमें 30 आवर्स का चाहिए, मतलब 60 मिनट्स का मतलब ही 1 आवर है, 1 आवर मैम यहाँ पे 30 आवर्स के ज्यादा मैम क्यों लिया वही नहीं समझ रहा था कि क्यों लिया। अच्छा ये जो दिया है इसी के बारे में दिया है कि ये जो बी पाइप है ना वो क्या करता है एक मिनट में 20 पानी भरता है 20 लीटर एक मिनट में, तो हमें बी का ही देखना है ना कि बी कितना भरेगा, पूरा का पूरा टैंक भरने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा, तो हमें तो उतना मिला है कि वो 30 अगर देखो यहाँ पे बोला है ये टैंक है, ठीक है सपोज करो ये टैंक है, उन्होंने बोला है कि अगर एक मिनट में बी जो पाइप है वो बी पाइप ऑन कर दिया एक मिनट के लिए, ठीक है तो वो क्या करेगा यहाँ तक भरेगा 20 लीटर्स भरेगा, ठीक है 20 लीटर्स कितने टाइम में भरेगा पर मिनट में, मतलब एक मिनट में कितना भरेगा 20 लीटर्स भरेगा, ठीक है हमें क्या चाहिए वो बोर्ड थोड़ा नीचे कर दीजिए ना, बोर्ड नीचे कर कैमरा नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा एक सेकंड
ओके मैम बराबर है। मैम वो 30 कैसे आया एक बार बता दीजिए ना बस। वही बता रही हूँ, ये वाला 30 पूछ रहे हो ना? नहीं नहीं मैम वो मुझे पता है, यहाँ मतलब ये बी का यहाँ 30 है, वही 30 हमने वहाँ लिखा है ना मैम। हाँ वही, लेकिन ये बी का 30 कैसे आया था एक बार बता दीजिए ना। बी का 30 ये हाँ। दो आया था ना, ये वाला 2 यहाँ पे आया था, 60 डिवाइडेड बाय 2 30। ओके ओके चलो यहाँ पे देखो, एक मिनट में क्या करेंगे, 20 लीटर फील करेगा, ठीक है। ऐड बोला है, ऐड मतलब फील करेगा, पानी उतना भरेगा, कितना भरेगा 20 लीटर्स। हमें चाहिए 30 आवर्स डायरेक्टली, हम 1 मिनट को 30 आवर्स में नहीं ले सकते डायरेक्टली, हम 30 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे आर है। तो ये जो मिनट है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले आर में कन्वर्ट करेगा कि वो 1 आर में कितना फील करेगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा है, मतलब ये पूरा का पूरा भरने के लिए कितना भरेगा टाइम, मतलब कितना वाटर आएगा। अगर पूरा का पूरा टैंक फील करेंगे तो वो कितना लीटर ऑफ वाटर होगा वो पूछा है। तो हमें इतना दिया है कि अगर थर्डी जो है ना, भी अगर एक मिनट में 20 लीटर्स भरता है, तो अगर वो 30 आवर्स तक चालू रहेगा वो पाइप, तो वो पूरा का पूरा टैंक फिल कर देगा ना। हमें तो वो ही चाहिए कि कैपेसिटी कितना होगा टैंक में, कितना पानी भरेगा। 1 मिनट का हमें पता है, ठीक है, हमें इतना भी पता है, अगर वो 30 लीटर्स तक कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे हम उस पाइप को, तो वो पूरा का पूरा टैंक फिल कर देगा, मतलब पूरा पानी यहाँ तक आएगा, मतलब पूरा का पूरा हमें कैपेसिटी मिल जाएगा ना। ये जो आया है 36,000 वो यही है कि पूरा का पूरा जब भरेगा ना टैंक, तो वो पूरा का पूरा भरेगा, सिर्फ 20 लीटर नहीं, तो हमें पूरा का पूरा कैपेसिटी मिलेगा। लेकिन उसके लिए वो 30 आवर्स तक चालू रखना पड़ेगा पाइप को, लेकिन हमें सिर्फ 1 मिनट के बारे में पता है, तो हम मिनट से पहले किस में जाएंगे, 1 आवर में जाएंगे डायरेक्टली। 1 मिनट से हम 30 आवर्स में नहीं जाएंगे, मतलब 1 मिनट में अगर वो 20 लीटर पानी भरता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर में कितना भरेगा, मतलब ही 1 आवर में वो कितना भरेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 × 60, तो यहाँ पे 1200 लीटर्स आएगा वैल्यू। मतलब अगर वो 1 आवर तक चालू रहेगा तो वो कितना भरेगा, 1200 भरेगा, अगर वो 1 आवर तक चालू रहेगा। हमें कब तक चालू रखना है, जब तक 30 का पूरा नहीं भरेगा, मतलब 30 आवर्स। अगर 1 आवर में 1200 है तो 30 आवर्स में कितना होगा, 1200 × 30, तो हमें कितना मिल जाएगा, 36,000। तो हमें पूरा का पूरा पानी मिलेगा, लीटर्स मिल जाएगा। अभी सबको समझा? यस मैम। लिख के हो गया सबका, बताओ? यस मैम। चलो ठीक है, इंटरनेट एक टाइम पे भी काम करेगा, दूसरे टाइम पे एक काम करेगा, वैसा वैसा यहाँ पे भी होगा। एक सेकेंड, चलो ठीक है। ए बी सी
आर पाइप्स अटैच्ड अटैच्ड टू अ सिस्टम ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 minutes एंड 30 minutes. While C can empty it in 15 minutes. If A, B, C keep open successively for 1 minute each, how soon the system will be filled? सिक्सटी आया नहीं, रुको, ट्वेल्व भी नहीं है. यहाँ पे अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट. अरे हाँ, हमें भूल गया, मैं दो को ही लेके कर रहा था. और थर्ड पाइप क्या है? लीक कर रहा है, मतलब थर्ड पाइप तो आउटलेट है. नाइन्टी भी नहीं है. थोड़ा सा अलग है यहाँ पे. अगर यहाँ पे लीक वाला नहीं होता ना, तो जो हम पहले करते थे वैसा करते तो चलता. जैसे हमने मैं माइनस ही लूंगा ना उसका वैल्यू. हाँ, उसका तो माइनस लेना पड़ेगा, वो तो है. लेकिन माइनस करोगे तो जितना भरा है उतना भी खाली होगा. जितना भरा है उसमें उतना भी खाली होता जाएगा, वो भी तो है यहाँ पे. मैम मेरा एबीसी का वैल्यू आया, बट जो साइमल्टेनियसली वो जैसे एडजेसेंट करते हैं उसमें माइनस वन आ रहा है, मतलब वन आ रहा है. वन आ रहा है, वो तो सही है, वो तो सही है. तो वन इंटू सिक्सटी किया तो सिक्सटी आएगा, तो सिक्सटी टू इंटू थ्री किया क्योंकि तीन है उसका आया ना. 180 भी नहीं है. तो मैम आप एक्सप्लेन कर दो. बता दूं मैं? और किसी का नहीं आया? बताओ. बता दूं. अच्छा ठीक है. 30 भी नहीं है. 167 ऐसे क्या बादल? आंसर तो सही है, 167 सही है. कैसे किया?
इतना एग्जैक्ट तुक्का, वो भी ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मार के नहीं आता है। चलो ए बी सी आर फाइव 167 आना चाहिए आपका आया। चलो ठीक है, देखो तक रिश्ता ही नहीं है, ऐसा आंसर आया नहीं आ रहा मैम। ठीक है अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो ए बी एंड सी, ठीक है तीन पाइप है, ए एंड बी कैन फिल इट, मतलब ये दोनों का दोनों क्या है इनलेट पाइप है, इसका दिया है 20 मिनट्स, बी का दिया है 30 मिनट्स, वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट्स, तो ये जो है वो आउटलेट पाइप है, इसका दिया है 1/15 मिनट्स। तो सबसे पहले एलसीएम आएगा, कितना होगा एलसीएम 60 होगा, ठीक है 20 × 3 होगा 60, 30 × 2 हो जाएगा 60, 15 × −4, ठीक है ये हो जाएगा −4, ये दोनों होगा प्लस और ये होगा माइनस, ठीक है यहाँ तक तो सबका आया होगा। आगे देखो, इफ ए बी सी केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट है, अल्टरनेटिव मतलब तीन पाइप है, ठीक है हम ए से चालू करेंगे कि फर्स्ट जो 1 मिनट के लिए हम ए पाइप चालू रखेंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे पाइप को, दूसरे मिनट सेकेंड मिनट के लिए हम क्या करेंगे फिर से दो जो बी पाइप होगा उसको चालू करेंगे, फिर बी को बंद करेंगे, तीसरे मिनट में क्या करेंगे हम, तो तीसरे मिनट में आएगा सी। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होगा, जब ए चालू होगा पाइप तब हम तीन जो फील करता है मतलब पानी भरता है, तो हमारा पानी भर जाएगा, कितना भरेगा 3 से भरेगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में भी तो इनलेट पाइप ही है आउटलेट नहीं है, तो 2 भर जाएगा, ठीक है मतलब फर्स्ट और दो सिर्फ 2 मिनट का देखा जाए कि ए और बी क्या है दोनों का दोनों पाइप भरता है, तो पहले मिनट के लिए ए को चालू किया, ए को बंद किया दूसरे मिनट में क्या किया बी को चालू किया, ठीक है। तो दोनों देखा जाए इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों एक एक मिनट के लिए चालू था, 2 मिनट में कितना पानी भरेगा 5 पानी भरेगा, ये जो टैंक है उसमें 5 पानी भर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसके बाद बी को बंद किया, थर्ड टाइम पे क्या किया सी को चालू किया, लेकिन सी तो एम्प्टी करता है खाली करता है, तो पाइप जो बाहर निकलता है उसको चालू किया, तो वो कितना बाहर निकलता है 1 मिनट में -4, मतलब जो 5 पानी है उसका फिर से कितना पानी हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखा जाए पूरा का पूरा सिर्फ 3 मिनट का देखा जाए, सिर्फ 3 मिनट का, ठीक है ए बी सी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा फिर से वही प्रोसीजर चालू होगा, फिर से ए आएगा फिर से बी आएगा, तो 3 मिनट में 1 होगा ना मैम। हाँ 3 मिनट में यहाँ पे देखा जाए तीनों का तीनों पाइप चालू करते हैं तो रहेगा कितना पानी 1 होगा। हाँ बोलो मैम, जैसे उसमें बोला है कि एबीसी केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, तो आपने 1, 2, 3 की लिया, मतलब 1 मिनट 1 मिनट करके भी ले सकते हैं ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऐसे। ये 1 मिनट 1 मिनट ही है, ये मैंने ये सेकंड मिनट है, ये पूरा का पूरा 2 मिनट नहीं है, तो ये ऐड करेंगे तभी 2 मिनट होगा ना, ये तो 1 मिनट है, ये भी 1 मिनट है, ये भी 1 ही मिनट है, मतलब सेकंड मिनट थर्ड मिनट ऐसे बोलती हूँ। अच्छा, लेकिन तीनों एक साथ चालू नहीं होगा ना, फर्स्ट मिनट 1 मिनट के लिए ए चालू होगा, फिर सेकंड मिनट के लिए कौन सा चालू होगा बी, थर्ड मिनट के लिए सी चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी का देखा जाए तो हमारा पानी कितना बाकी होगा 1 बाकी होगा, मतलब 3 मिनट में कितना पानी भरेगा बताओ, कितना पानी भरेगा 1 भरेगा ना, वो जो पूरा भरा था वो खाली हुआ, तो यहाँ पे 3 मिनट, मिनट में आएगा 3 मिनट और 1 भरेगा, ठीक है ये हो जाएगा लीटर, ठीक है इतना तो हमें मिल गया। चलो इतना मिल गया कि 3 मिनट में 1 भरता है, ठीक है। जब भी अगर देखो अगर नॉर्मल जैसा होगा, जैसे कौन सा ये 1 मिनट वाला, 3 मिनट में 1 लीटर कैसे किया, 3 मिनट में 1 लीटर कैसे किया, देखो पहले मिनट में कौन भरेगा पानी, ए भरेगा, कितना भरेगा 3, ठीक है ये टैंक है सपोज कर लो ये 3,
भर दिया ए ने, ठीक है, ये तीन भर दिया। सेकेंड मिनट में अभी ए तो बंद होगा ना, ए टैप को बंद कर दिया, ए पाइप को बंद कर दिया, किसको चालू किया, बी को चालू किया सेकेंड मिनट में, ठीक है। तो बी एक मिनट में कितना भरेगा, दो भरेगा, तीन तो भरा था ना पूरा का पूरा, और दो भरेगा तो कितना टोटल हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, पांच पानी भर दिया, ठीक है, तो बी को बंद कर दिया। अब कौन सा पाइप आएगा, सी, थर्ड मिनट के लिए ईच बोला है तो तीनों पाइप आएगा, ठीक है। सी क्या है लेकिन, आउटलेट पाइप है, जो पानी भरता नहीं है, जितना भरा है उतना निकाल देता है, लेकिन वो एक मिनट में कितना निकाल सकता है, चार निकाल सकता है ना, तो हमारा पानी भरा था पांच, उसमें अगर सी को एक मिनट के लिए हम चालू करते हैं तो क्या होगा, चार खाली हो जाएगा, पांच में से चार पानी जो है वो बाहर निकल गया, कितना पानी बाकी रहेगा, वन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आएगा वन, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे आउटलेट पाइप नहीं होता, आउटलेट पाइप यहाँ पे नहीं होता, अगर ये जो है माइनस वाला वो नहीं होता, तो जो हमारा कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट वाला, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही प्रोसीजर से आपको वहां पे जाना पड़ेगा। जैसे हमारा अगर आता कि तीन मिनट में पांच भर है तो हम तीन से पांच जाएंगे, जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं वैसे वहां पे करेंगे जब आउटलेट पाइप नहीं होगा। यहाँ पे आउटलेट पाइप है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा वर्क है ना, ठीक है, जो हमारा वर्क है 60 है यहाँ पे वर्क, ठीक है, यहाँ पे है वर्क 60, तो हमें 60 से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, देखो जो पाइप भरता है ना, जैसे यहाँ पे कौन सा भरेगा, ए एंड बी भरेगा पाइप, ठीक है, ये सी को जाने दो, ए और पाइप दो मिनट में कितना भरेगा, पांच भरेगा, ठीक है, ये जो पांच है ना वो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 55, ठीक है। तो अभी आप जो कंपेयर करोगे ये वाला लीटर जो होता है उससे कंपेयर करोगे तो आप अभी 55 को कंपेयर करोगे, करना तो हमें 60 ही है, आपने एक बार बताइए माइनस, इसीलिए बता रही हूँ जब नॉर्मल होगा, जब इनलेट पाइप होगा, सिर्फ इनलेट होगा, आउटलेट नहीं होगा क्वेश्चन में। तो जो जैसे हम टाइम एंड वर्क में मैंने बोला था अल्टरनेट डेज वाला जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको जाना है, लेकिन जब आउटलेट पाइप होगा मतलब हमारा जो एफिशिएंसी है यहाँ पे माइनस में है, तब हमें क्या प्रोसीजर करना है वो ध्यान में रखो। देखो जो हमारा टोटल वर्क होगा ना, अगर आप ऐसे जाते हो ना जैसे हम नॉर्मली जाते हैं, जैसे हम 1 × 60 करेंगे तो यहाँ पे 6 × 3 180 आएगा आंसर, तो यहाँ पे 180 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो लीटर को हम कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, ये भी तो हमारा कैपेसिटी होता है, तो 1 × 60 कर देंगे क्योंकि 1 के टेबल में 60 आता है, 60 × 3 कर देंगे तो 180 आएगा, लेकिन 180 यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे आप ये वाले प्रोसीजर से जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग आंसर हमेशा आता जाएगा अगर आप इस मेथड से डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी माइनस आएगा ना तो माइनस वाला छोड़ दो, बाकी जो पॉजिटिव है वो देखो, पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, 3 और 2 है, ठीक है, 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा, वो 5 क्या करना है, टोटल जो हमारा कैपेसिटी है जैसे 60 से माइनस कर दो 5, जो वैल्यू बचेगा उसको ये वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। जब भी क्वेश्चन में माइनस आएगा, जब भी क्वेश्चन में आउटलेट पाइप आएगा, तब आपको यही प्रोसीजर से जाना है कंपलसरी। आपको जो पॉजिटिव है आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आएगा आप उससे इसको कंपेयर करोगे डायरेक्टली, इससे नहीं करना है। लेकिन हमें वर्क तो 60 ही करना है, 55 वर्क नहीं करना है, हमें करना है वर्क 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 55 से कंपेयर करोगे आप, 55 क्यों, क्योंकि माइनस कर दिया, 3 + 2 5 होगा, 5 माइनस कर दिया तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, 1 × 55, तभी आपको क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू। 55 चाहिए तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 × 55 करोगे तभी 55 मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा,
इंटू 55 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, 55 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 55 इंटू 3 ये क्या है, 165 आ जाएगा। ठीक है, अभी कितना काम करना बाकी है, देखो 55 कंप्लीट हो गया है ना, 55 लीटर भर के हो गया है यहाँ तक, अभी 5 करना बाकी है, क्योंकि हमें वर्क तो 60 ही करना है, तो वो कौन करेगा बताओ, ए और बी। ए करेगा सबसे पहले, ए से जाओ, ए कितना करेगा, 3 करेगा ना, ठीक है, ए करेगा 3, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 58 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा फिर, 166 होगा ना। नेक्स्ट वन मिनट में, एक मिनट में ए कितना करेगा, ये जो है वन मिनट में ए करेगा 3, वो लिखा है आपको, तो अगर एक मिनट ऐड हो रहा है, ये क्या है, टाइम है, मिनट है, अगर यहाँ पे 165 में 55 हो रहा है, नेक्स्ट अगर ए करेगा तो नेक्स्ट मिनट में ए करेगा ना, तो 165 प्लस एक मिनट होगा, क्योंकि एक मिनट में तीन वर्क हो रहा है, समझा, एक मिनट में तीन हो रहा है, तो यहाँ पे 58 हो गया, तो उसके बाद बी करेगा, बी कितना करेगा, 2 करेगा, कितने मिनट में, 167 में करेगा, 165 हो गया, नेक्स्ट मिनट में ए ने कर दिया, उसके नेक्स्ट मिनट में बी करेगा, कितना करेगा, 2 करेगा, हमें कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, 58 प्लस 2 करेंगे 60 मिल जाएगा, हमें भी 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2 0 60 हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन कितने मिनट्स में होगा, 160, ये हो जाएगा हमारा आंसर, समझा। जब भी आउटलेट आएगा आप जो प्लस वाला है वो माइनस करके ही डायरेक्ट कंपेयर करोगे, ऐसे कंपेयर नहीं करना है डायरेक्टली, जब अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता ना तो आप डायरेक्ट कंपेयर करते तो चलता, अगर डायरेक्ट कंपेयर करोगे हमेशा आंसर रॉन्ग ही आएगा, तो आपको ये माइनस करके ही जाना है, यही एक इजी मेथड है, नहीं तो आपको बहुत लेंदी मेथड मिलेगा दूसरा वाला, ठीक है। अभी किसी को डाउट है, 65 से 60 कैसे आया कर दीजिए, समझाओ ना। अच्छा देखो 165 से कितना हुआ, एक एक मिनट, 165 हो गया था, ये क्या है, मिनट्स है ना, 165 क्या होगा, अगर ये मिनट्स है तो 165 पे मिनट्स ही होना चाहिए, ये तो मिनट्स ही होगा ना, 165 में कितना टैंक भरेगा, 55 भरेगा, ठीक है, 55 टैंक भर के हो गया 165 में, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो मैम, थोड़ा और ऊपर से बता दीजिए ना, उसके पहले वाला भी प्रश्न है, ये वाला वो जो माइनस फाइव टू क्या, वहां से बता दीजिए ना मैम, लास्ट के बाद, हाँ मैम वो 60 माइनस फाइव वाला थोड़ा। अच्छा देखो मैंने इसलिए बोला, जब भी आपका अगर इनलेट पाइप नहीं है क्वेश्चन में, इनलेट पाइप नहीं है तो आपको जो डायरेक्टली मेथड होता है अल्टरनेट वाला, उसी से जाना है। आपका वॉइस लो आ रहा है, आपको लो आ रहा आवाज, हाँ मैम, अरे नहीं मैम, ठीक है ना, अभी प्रॉपर है ना, हाँ मैम प्रॉपर है, चलो कहते थे, देखो यहाँ पे जब भी आपको माइनस मिलेगा, माइनस मतलब आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप में जब भी आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो तब हम रॉन्ग होता ही, जब आप डायरेक्टली 1 से 60 को कंपेयर करोगे जैसे हम पहले करते थे। अभी देखो अगर आप नॉर्मल मेथड से करते, ठीक है, जो हमने बोला था अल्टरनेट वाला था, 1 के टेबल में हम क्या देखेंगे कि 60 आता है क्या, 1 के टेबल में तो सब वैल्यू आता है, तो यहाँ पे 1 into 60 होता, 60 आ जाता, 60 वर्क कंप्लीट हो जाता था, तो हम क्या करते, 60 into 3 मतलब हमारा आंसर तो 180 मिनट्स होना चाहिए था, 180 मिनट्स होना चाहिए था ना हमारा आंसर,
लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 167 मिनट्स. देखो कितना डिफरेंस है. ये डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू है, इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस है. यहाँ पे तो 180 होना चाहिए, क्योंकि हमने ये माइनस करके ही वन आया है. माइनस तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे किया ही है ना, जो हमारा भरा था पूरा का पूरा 5 माइनस 4 किया तभी तो वन आया, तो इसमें माइनस किया हुआ है. तो माइनस डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 180 आना चाहिए आंसर, लेकिन आंसर क्या है 167 है. क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जितना भरोगे उतना खाली होता जाएगा. इसीलिए क्या करना है, आपका जितना भी टोटल होगा ना, यहाँ पे जितना भी टोटल होने दो, उसमें से आपको देखना है प्लस वाला वैल्यू कौन सा है, मतलब जिसका एफिशिएंसी प्लस है. यहाँ पे देखो 3 और 2 दोनों का दोनों प्लस है, 3 + 2 कितना होगा 5 हो जाएगा. तो वो जो है ना दो मिनट का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, अगर एक एक मिनट का देखा जाए तो वो जो 60 में से है, 60 जो कैपेसिटी है उसमें से आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे. डायरेक्टली आपको यहाँ पे माइनस करना है, जैसे यहाँ पे माइनस किया है, जो भी प्लस वाला वैल्यू होगा वही माइनस करेंगे ना एफिशिएंट. हाँ, वो ही हमेशा माइनस करना है कंपलसरी. हाँ बोलो. मैंने बोला कि आउटलेट है इसलिए हम लोग ये करें, तो हम लोग माइनस 4 करना चाहिए था ना, तो 5 क्यों करते हैं हम लोग. क्योंकि मैम पॉजिटिव है ना, सो पॉजिटिव तो वैसे भी रहेगा और माइनस होगा वही तो डिडक्ट होगा ना, मतलब 60 में से ऐसे होना चाहिए ना. हाँ ये मैं भी सोच है. नहीं 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 ऐसे नहीं जाना है, जो प्लस है वो ही यहाँ पे माइनस करना है, माइनस वाला माइनस नहीं करना है. वो ऑलरेडी खाली होना, वो खाली करने ही वाला है, तो और हम खाली क्यों करेंगे यहाँ पे माइनस करके. वो तो खाली करता ही है, हमें क्या चाहिए, हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए. हमें क्योंकि आप ये मेथड से जाओगे ना, यहाँ पे देखो 1 के टेबल में डायरेक्ट 60 से लोगे तो 180 आता है, वो तो अलग रॉन्ग ही हो गया, ये तो आंसर रॉन्ग है. अगर देखा जाए तो ये भी तो माइनस करके लिया हमने, 1 कहाँ से लाया, जब हमने 4 को माइनस किया तभी तो हमें 5 मिला, तभी तो 5 में से 4 माइनस किया तभी तो 1 मिला. तो यहाँ पे जो माइनस होगा प्लस वाला होगा, हमें थोड़ा सा उल्टा जाना है यहाँ पे. अच्छा मतलब आउटलेट होता तब भी आपको 5 ही माइनस करना है. नहीं 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 ये साइड में राइट हैंड साइड वो जो किए ना 55 उसके बाद देखो 58 हाँ 55 प्लस 3 58 फिर प्लस 2 60 अगर टोटल होगा तो 62 या फिर 63 होता. हाँ. तो फिर आगे सी का क्या होता था, समझो 62 है पर अभी तक बी तक 60 हुआ तो वापस सी के टर्न में क्या होता था, ये माइनस होता था. फिर हाँ माइनस करना पड़ता, फिर से ए लाते हूँ. ठीक है फिर से ए को लाना पड़ता, अगर यहाँ पे सी आता भी है तो माइनस करना पड़ेगा. समझा? ओके ये जो है क्वेश्चंस, ये टीयर 2 या तो थोड़े से मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का नहीं है. समझने में थोड़ा टाइम लगता ही है क्योंकि ये इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है तो समझने का कोशिश करो आप. यहाँ पे देखो मेथड को समझो कि हम ये मेथड से क्यों जाएंगे. जो 60 है ठीक है 60 टोटल है, उसमें से प्लस वाला जो है वो डायरेक्टली आप माइनस कर दोगे. ठीक है जो 55 आएगा यहाँ पे, जो 55 आया है उसी से ही, यहाँ पे जो वैल्यू आया है उसी से ही आपको कंपेयर करना है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया 1 × 55 आया, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आया 55. तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई मैंने 55 से किया है तो यहाँ पे भी 55 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 55 × 3 यहाँ पे कितना मिला 165 मिला. इसका ही मतलब क्या कि 165 ये क्या है मिनट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हर एक वैल्यू मिनट का ही होना चाहिए. यहाँ पे के बाद 2 लेंगे ना क्योंकि बी का एफिशिएंसी 2 है, तो हाँ 2 लेंगे सही है. तो यहाँ पे जो पे लिया मैम आपने, शो नहीं हो रहा है आपने 3 मिनट ये 2 लिया ना. ओके ओके चलो यहाँ पे जो आएगा वो लीटर आएगा. ठीक है मतलब 165 में क्या हुआ 65
65 लीटर्स क्या हो गया, पूरा का पूरा भर गया, ठीक है, कंप्लीट भर गया, कितने मिनट्स में, 165। अभी हम क्या करेंगे, फिर से ए से ही स्टार्ट करेंगे, हमें तो वर्क 60 करना है, हमें 55 नहीं करना, हमें तो पूरा का पूरा कंप्लीट 60 करना है, तो 55 के बाद कौन आएगा, फिर से ए आएगा। ए कितना काम करेगा, 1 मिनट में क्या करता है, 3 वाला वाटर फील करता है, ठीक है, 3 liters ऑफ वाटर क्या करता है, फील करता है, लेकिन 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट, ये क्या है, 165 मिनट्स है, कितना फील कर दिया, 55, ठीक है। अगर ए आएगा तो वो मिनट एक ही ऐड होगा ना, मतलब यहाँ पे प्लस 1 होगा, 165 मिनट्स हो गया, उसमें अगर ए आता है तो वो 1 मिनट के लिए ही आएगा, क्योंकि सेकेंड मिनट में तो बी ही आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट की बात हो रही, तो यहाँ पे मिनट कितना होगा, 165 प्लस 1, 166 मिनट्स हो जाएगा जब ए आएगा, ठीक है। लेकिन ए कितना फिल करेगा, 3 फिल करेगा, मतलब 55 प्लस 3, 58 फिल करेगा, 58 फिल हो गया, कितने मिनट्स में हो गया, 166 मिनट्स में, ठीक है, 58 ही हुआ है, हमें तो 60 करना है, मतलब और 2 करना है, तो और 2 के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि हमें तो 2 की जरूरत है, और बी भी क्या कर रहा है, बी भी 1 मिनट में कितना फिल करता है, 2 liters फिल करता है, ये ए है और ये है बी, ठीक है, 1 मिनट में कितना लीटर फिल करेगा, 2 करेगा, तो 55 प्लस 2 60 हो गया कंप्लीट, ठीक है, लेकिन मिनट भी तो एक ही बढ़ेगा, जैसे हमने 165 का 166 किया, तो अभी बी आएगा तो 167 मिनट्स होगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 167 होना चाहिए, क्योंकि 60 हमारा कंप्लीट हो गया, कब कंप्लीट हो गया, जब हमने 160 मिनट्स कंप्लीट कर दिया, उसी टाइम पे हमारा 60 जो है वो पूरा का पूरा टैंक फिल हो गया, जितना हमें फिल करना था, क्योंकि 60 लीटर्स का ही कैपेसिटी था, तो 60 ही हमने यहाँ पे लिया। अभी समझा सबको, बोलो, हेलो, हाँ बोलिए, हेलो, थ्री डिवाइडेड बाय 58 कैसा लिया आपने? नहीं, डिवाइड नहीं है, वो डिवाइड नहीं है, ऐड किया है, ये प्लस है, प्लस 55 प्लस 3, क्योंकि ए आएगा तो वो तो 3 लीटर भरेगा ना, और 55 तो भर दिया है, और 3 भरेगा तो 58, वैसे यहाँ पे भी किया मैंने, 58 प्लस 2 60। हेलो, इसमें भी 1 ऐड किया है क्या आपने, 166 प्लस 1? हाँ, क्योंकि 1 मिनट में ही भरेगा ना, ए भी 1 मिनट में, अच्छा, सब में 1 1 1 मिनट पे ऐड किए क्या, इसीलिए 1 1 ऐड किया। हेलो, हाँ बोलिए मैम, यहाँ पे हमें 3 and 2 लेस करना था, तो नीचे जाके हम इसे ऐड क्यों किया फिर? नहीं, यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये तो पानी फिल करते हैं ना, यहाँ पे तो ऐड ही करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे फिल बोला है, पानी भरते हैं, तो यहाँ पे तो कंपल्सरी ऐड ही करना पड़ेगा। ये कब करना है आपको, 5 जब क्वेश्चन में माइनस हो, और आपका जो क्वेश्चन होगा वो अल्टरनेट वाला होगा, तब आपको जो प्लस होगा वो यहाँ से माइनस करना है, इसमें से, समझा? Okay, लेकिन अगर यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस ही करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे, अगर सी आता तो माइनस करोगे, समझा? Okay, एंड मैम वो 165 वाला से है ना, वो फिर से एक बार बताइए ना, वो कहाँ से है? अच्छा देखो, ये 155 अभी हमारा टारगेट हो गया कि 155 कंप्लीट करना है, ठीक है, 1 कब करेगा, जब 1 into 55 करेंगे तभी तो 55 आएगा, है कि नहीं बताओ? अगर 55 करना है तो 1 into 55 करोगे तभी हमें क्या मिलेगा, 55, तो यहाँ पे अगर 55 से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे भी 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों जगह को सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये रेशियो जैसा ही है, अगर एक रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे को भी करना पड़ता है, वैसा ही यहाँ पे भी करना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 55 हो रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसी सेम वैल्यू से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 55 into 3 हमारा वैल्यू कितना आएगा, 165, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी हम ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन ऐड कितना कर रहे हैं, 3, क्योंकि 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है, 3 फिल हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड किया हमने, 165 प्लस 1 हो जाएगा 166, 55 प्लस 3 हो जाएगा 158 हो जाएगा, 158, ठीक है, वैसे किया।
चलो और किसी को डाउट है? हाँ मैम, मुझे ये थ्री में बोलो पूनम। हेलो मैम, एक्चुअली ये 3 मिनट है ना, ये 3 मिनट का मेरे को समझा नहीं है। 3 मिनट का नहीं समझा? हाँ 3 मिनट है ना, 55 का कंफ्यूजन हो रहा है, वो नहीं समझ रहे। मतलब 1 लीटर कैसा है वो समझा, लेकिन 3 मिनट का नहीं समझ रहे। 3 मिनट कैसे लिया? सबका एक एक मिनट के लिए आएगा ना, ए एक मिनट के लिए, बी एक मिनट के लिए, सी एक मिनट के लिए, वो 3 मिनट आया ना यहाँ पे। एक समझा तो आपको तो ये 3 मिनट क्यों? मैम आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ मैम वो तो लो है। अभी बताओ, अभी क्लियर है? फाइनल आंसर क्या होगा इसमें? 167 मिनट्स। पूनम आपको ये हाँ बोलो ये जो लास्ट में 60 आया है और उसमें क्या ऐड करी थी हमने जो 167 है? 167 कैसे आया जब हम सॉरी मैम 167 आंसर है। हाँ ओके मैम, वो 3 मिनट मेरे को रिपीट करो ना, नहीं समझ रहे। मतलब आपने ऐसे मतलब एफिशिएंसी मतलब तो 3 and +2 का वो माइनस किया ना, हाँ। वो मेरे को समझा कि 5 में से -4 किया तो 1 आएगा लीटर, लेकिन 3 मिनट्स का मेरे को नहीं समझ। मतलब काउंट कैसे करेगा थर्ड वाला जो सी का है वो मिनट काउंट करने का, वो नहीं हाँ, समझ रहे। अच्छा आपको 1 समझा लेकिन 3 मिनट वाला क्यों नहीं समझा? देखो यहाँ पे मैम वो तो वॉइस लो आ रहा है आपका। लो आ रहा है? हाँ अभी प्रॉपर है। अभी प्रॉपर है बताओ। हाँ मैम ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी जो है ना वो 1 मिनट के लिए ईच बोला है, मतलब ए 1 मिनट के लिए रहेगा, बी दूसरे में हाँ थ्री मतलब 3 मिनट्स में 1 लीटर फिल होता है, तो उसमें हाँ? आप 255 किया तभी यहाँ पे मिनट्स 165 आया। हाँ जब भी हम कैसे कर रहे थे ए प्लस बी फिर माइनस सी, क्योंकि सी से वाटर ये आउटलेट हो रहा है, तो हाँ 5 मिनट्स में हमारा 1 लीटर फिल होता है ना। 5 मिनट्स में नहीं 3 मिनट्स में ना, 3 लोग हैं तो 3 मिनट होगा ना, 1 मिनट ईच लोग कितना है, 3 ही है ना एबीसी, तो ये 1 मिनट के लिए चालू होगा, ये 1 मिनट के लिए चालू होगा और ये 1 मिनट के लिए चालू होगा। और आपकी आवाज कम आ रही है, पता नहीं क्यों आवाज कम आ रही है। बहुत कम आ रही है आवाज। शीतल मैम हाँ बोलो। ये लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि मुझे मेरा वो कंप्यूटर का क्लास भी है ना उधर जाना। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं नहीं ये लास्ट था, इसके बाद मैं नहीं लूंगी। ओके ओके मैम, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जिनको अगर जाना है तो वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं। मैम चलो मैं हाँ बोलो। मैम ये -5 क्यों किया हो, मेरे को कांसेप्ट समझ में, बाकी मेरे को पूरा समझा, बट ये 5 भी क्यों माइनस किया हमने और क्यों माइनस करना है वो समझाओ ना। देखो इसीलिए मैंने बोला जो इनलेट होगा ना, जब अगर इनलेट है क्वेश्चन में, सिर्फ इनलेट है ठीक है, तो आपको क्या करना है नॉर्मली जैसे हम जाते हैं टाइमन बॉक्स में कर रहे थे। मैम स्पीकर को मुंह के पास ले लो, आवाज बहुत कम आ रही है, फिर वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो रहा है। मैं नहीं सर ऐसे ही कर रही हूं, मैं ऐसे ही बात कर रही हूं। अभी अभी तेज आ रही है, इतनी तेज फिर इतनी तेज बोलो आप। अच्छा हां मैं क्या बोल रही थी, हाँ 2 डेज लेते थे ना, 2 डेज और यहाँ पे एफिशिएंसी लेते थे जब वो टाइम एंड वर्क वाला आता था। हाँ टाइम एंड वर्क में तब हम क्या करते थे, डायरेक्टली जो वर्क है उससे डायरेक्टली कंपेयर करते थे, है कि नहीं? हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर सिर्फ इनलेट पाइप होता, ठीक है इनलेट पाइप अगर होता तो हम क्या करते, डायरेक्टली कंपेयर करते जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भरेगा ना, जितना हम भरेंगे उतना ही खाली होता जाएगा, जितना हम भरेंगे उतना खाली होगा, क्योंकि सी पाइप है जो खाली कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये मेथड है हमारा कि हम क्या करते हैं, हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे ना बहुत सारा आंसर 180 आ रहा है।
बहुत सारा, हाँ 180 भी आएगा अगर आप 50, अगर यहाँ पे देखो 1 के टेबल में बहुत सारा है, अगर आप 59 लोगे ना 1 into 59 तो भी बहुत अलग आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा आंसर। 1 into 58 लोगे तो भी फ्रैक्शन में आएगा, मतलब हर एक आंसर अलग अलग ही आता जाएगा, आपका एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है इसीलिए ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी मेथड होगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा अगर आप ऐसे करोगे जो नॉर्मल मेथड से करोगे। इसीलिए ये आपका एक्यूरेट आंसर आने के लिए ये दोनों जो है ना वो माइनस कर दो, ताकि आपको जो वैल्यू आएगा उसी से कंपेयर करना है, ठीक है। चलो और किसी को डाउट था? पूनम आपको ना? हाँ मुझे 3 मिनट से ना आप रिपीट करेंगे क्या एक बार, मतलब थोड़ा सा? हाँ हाँ चलो देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो 1 मिनट के लिए क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच। मतलब ये जो हमारा कंसेप्ट है वो किसका है, अल्टरनेट वाला, मतलब जहां पे अगर कोई दूसरा पाइप चालू है उस टाइम पे कोई भी दूसरा पाइप चालू नहीं होगा, ठीक है। मतलब ए बी एंड सी, ठीक है, तीन पाइप है हमारे पास, चारों पाइप, चार पांच पाइप नहीं है, सिर्फ देखो एबीसी है, सिर्फ एबीसी है, डी ई एफ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे पास कंफर्म तीन ही पाइप है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए बी सी केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, इसका मतलब क्या है कि हर एक पाइप को एक एक मिनट के लिए अगर ओपन किया जाए तो सिस्टम कितने टाइम के लिए, कितने टाइम में फिल होगा, पूरा का पूरा कितने टाइम में भरेगा सिस्टम हमारा टाइम, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ए जो है उसको 1 मिनट के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। ए हमारा पाइप है, हमने क्या किया, ओपन कर दिया 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में ए कितना फील करेगा बताओ, कितना भरेगा पानी बताओ पूनम। जो एफिशिएंसी होता है ना वो ही फील करता है। ये जो आपको दिया है उसका मतलब क्या है कि ए जो है वो 1 मिनट में 3 फील करता है, बी जो है वो 1 मिनट में 2 फील करता है, सी जो है वो 1 मिनट में 4 खाली करता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है और ये आउटलेट पाइप है, ये दोनों इनलेट पाइप है, ये दोनों पानी भरते हैं, ये जो पाइप है वो पानी निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट होगा, 1 मिनट में क्या होगा, ए क्या करेगा, 3 पानी भरेगा, ठीक है। हमारा ये टैंक है, सपोज करो 3 पानी भर दिया, किसने भर दिया, ए ने भर दिया, कितने मिनट में भर दिया, 1 मिनट में। अभी क्या करेंगे हम, ए पाइप, ए जो टैप है हमारा, हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, बी को चालू करेंगे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, बी को चालू करेंगे। बी कितना भरेगा पानी, 2 भरेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो और 2 पानी क्या किया, भर दिया, किसने भर दिया, बी ने, कितने मिनट में भर दिया, 1 मिनट में। तीसरे मिनट में क्या करेंगे, बी को हम बंद कर देंगे, सी पाइप को ऑन कर देंगे, लेकिन सी क्या करेगा, भरेगा नहीं पानी, जितना भरा है उसमें से 4 खाली कर देगा। अगर 5 भरा है तो 5 में से 4 खाली करेंगे, 4 अगर माइनस होगा तो कितना पानी बचेगा टैंक में, 1 पानी बचेगा ना, 1 लीटर 1 लीटर ही बचेगा, कब, जब सी को चालू कर देंगे, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, तो सी भी 1 मिनट के लिए होगा, तो 1 कप होगा। जब हर एक पाइप जो है एक एक मिनट के लिए चालू कर देंगे तो 1 मिनट प्लस 1 मिनट कितना मिनट होता है, 2 मिनट, 2 मिनट प्लस 1 मिनट कितना मिनट होता है, 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स में कितना कितना पानी आएगा हमारे टैंक में, 1 ही आएगा ना, 1 लीटर ही आएगा, तो 3 मिनट में 1 लीटर आएगा, वही यहाँ पे मैंने लिखा है, 3 मिनट में कितना होगा, 1 लीटर होगा। अभी समझा पूनम? हाँ देखो यहाँ पे ना जब भी हम नॉर्मल क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस नहीं होता है किसी का भी एफिशिएंसी, जैसे टाइम एंड वर्क में हमने किया था अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में किया था, वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी वैल्यू आता था हम क्या करते थे, डायरेक्टली कंपेयर करते थे,
डायरेक्टली वैल्यू से कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सपोज करो यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, टैंक में क्या करोगे, आपने अगर भर दिया, ठीक है, इतना भर दिया, तो वो क्या होगा, बाद में खाली होता जाएगा ना, उतना ही जितना भरोगे थोड़ा खाली होगा, फिर भरोगे फिर खाली होगा। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो इसीलिए एक मेथड है, कौन सा मेथड है, जो आप 60 है ना, ये हमें भरना होता है, ठीक है, हम इतना ही भरेंगे, लेकिन इसमें से जो है ना हमारा प्लस वाला जो वैल्यू है 3+2 5 होगा, वो 5 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 60 - 3+2 कितना होगा, 5 होगा, तो 60 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा, 55, तो वही 55 हमें यहाँ पे लेना, ये वाला वैल्यू दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे लेना, क्यों, ताकि हम अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाओगे तो उसमें, हेलो, माइनस क्यों करने, उन्हें समझा, माइनस क्यों करने, देखो जितना आप भरोगे ना, जितना आप भरोगे उतना खाली होता जाएगा, तो जो ऑलरेडी माइनस है वो माइनस नहीं करना है आपको, जो प्लस है वो माइनस करना है टोटल में से, जो माइनस है ऑलरेडी वो माइनस नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमें थोड़ा उल्टा जाना है, क्योंकि हमें आंसर एक्यूरेट निकालना है। आप दूसरे मेथड से जाओगे, डायरेक्टली जाओगे, रॉन्ग ही आंसर आएगा, या तो बहुत सारा आंसर आता है, इसीलिए ये एक मेथड है जहाँ पे टोटल हमारा देखेंगे, उसमें से जो प्लस वाला वैल्यू है वो माइनस करना है, माइनस वाला नहीं माइनस करना है, जो प्लस होगा आप माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगा उसी को ही यहाँ पे कंपेयर करोगे, लेकिन हमारा वर्क जो 60 है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली हमारा आंसर 180 आएगा। अगर डायरेक्ट कंपेयर करके देखो, 1 × 60 कितना होगा, 60 हो जाएगा, 60 × 3 करोगे ना, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 60 आएगा, 60 × 3 180 आएगा, फिर 180 तो रॉन्ग आंसर है, हमारा आंसर तो 167 एग्जैक्ट आंसर है, डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा, इसीलिए ये मेथड से जाना कि जो टोटल है उसमें से जो एडिशन वाला वैल्यू है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, समझा, हेलो, हाँ सुधीर, ऐसे ही करना है, हेलो, नहीं इसका आंसर 167 और 60, ये तो समझा मैं, 60 का सेलिंग, 60 क्या होगा, ये 58, ये 60 होगा ना, ये 60 होगा, कब होगा 60, जब ए और बी आएंगे, ए आया पहले, हमारा टोटल मिल्स 165 हुआ था, उसके बाद ए आया, उसके बाद बी हुआ, बी आया, तभी तो 60 वर्क कंप्लीट हुआ ना, हमें तो 60 करना है, ये वाला वॉइस बहुत लो है आपका, अभी भी लो आ रहा है, मैम, हाँ बोलिए, क्या था डाउट, अभी आ रहा है आवाज, अभी वॉइस आ रहा है, देखो जरा, ठीक है, बोलिए आपका डाउट क्या था, किसी को डाउट नहीं है ना, अभी बोलो, नो मैम एकदम क्लियर है, ओके ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते, ठीक है, यस मैम, ओके ठीक है, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, मैम मैम हेलो, हाँ ये वन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करते, मन मतलब वन,
वन लीटर का वैल्यू मतलब 55 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं मतलब मिनट से? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसी सेम वैल्यू से यहाँ पे करना है, जैसे रेशो में करते हैं। रेशो होता है हमारा, रेशो का आपने देखा होगा कभी, 2:3 है हमारा रेशियो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, सपोज करो यहाँ पे मैंने 4 से किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो रेशियो होता है, हम ऐसे किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे वैल्यू कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए यहाँ पे भी 55 से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू से करना पड़ेगा। हाँ मैम, बट हम लोग वैल्यू से करोगे मतलब 1 लीटर का वैल्यू 55 तो मतलब ऐसा सपोज 3 लीटर का कितना आएगा, ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो टाइप में पूछ। अच्छा वैसे पूछो तो वैसे भी आंसर 165 ही आएगा ना, वैसे भी 165 ही आएगा। ओके मैम, चलो ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।